बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग पढ़ रहे हो कैनिगरोरेक्शन। कैनिगरोरेक्शन भी उसी सीरीज का हिस्सा है जो हम पहले पढ़ रहे हैं, बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनल ग्रुप। तो कैनिगरो के अंदर जरूरी होते हैं कि ऐसे कार्बोनल्स हों जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ही ना हो। अल्फा कार्बन चाहे हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो देंगे कैनिगरो। और ये रिएक्शन मीन्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं, वो होते हैं जिनमें सेल्फ रिडॉक्स हो, मतलब उन्हीं के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, उन्हीं के अंदर रिडक्शन भी हो, बोलते हो सेल्फ रिडॉक्स। और आप देखोगे कि जब कैनिगरो रिएक्शन हुआ करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल के अंदर रिडक्शन होती है, और सोडियम या कोई और साल्ट ऑफ एसिड बनेगा, साल्ट ऑफ एसिड जो बनेगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी। तो एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक बार उसमें ऑक्सीडेशन होगी, अगली बार उसमें रिडक्शन होगी, तो आपसे बोलोगे सेल्फ रिडॉक्स। तो याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको रिडक्शन बोलते हो। तो देखिए फिर ये है फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए या मेथनल, और इसमें डाला 50% NaOH, तो NaOH इस मेथनल को चेंज कर देगा मेथनोल में और सोडियम फॉर्मेट में, तो ये अल्कोहल है, दैट मीन ये रिडक्शन है, और ये साल्ट ऑफ एसिड है, इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन है। तो देखें कैसे है, एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो यहां देखो एक ही मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन बराबर रहे, जबकि चार हाइड्रोजन है, मतलब दो हाइड्रोजन और आ गए, तो हाइड्रोजन का ना रिडक्शन, तो इसके अंदर हुई है रिडक्शन, ये जो अल्कोहल बना इसके अंदर रिडक्शन हुई, और इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है जबकि इसके अंदर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कम हो गया, जबकि एक ऑक्सीजन था दो ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का ऐड होना दैट इज ऑक्सीडेशन। जबकि जिस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है वो एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई, तो आपने बोला सेल्फ रिडॉक्स। हमने बेंजल्डिहाइड लिया, इसमें भी बेंजल्डिहाइड के अंदर भी कार्बन, देखो कार्बन के साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन है लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं है, जब कोई हाइड्रोजन नहीं है ये देगा कैनिजर, जबकि इसके अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है, अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसका मतलब ये भी कैनिजरो रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड कैनिजरो देगा क्योंकि इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो आप इसमें 50% NaOH डाला तो इससे एक अल्कोहल बन गया, जो अल्कोहल बना उसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, और इससे सोडियम बेंजोएट बन गया, जो अल्कोहल बना इसके अंदर रिडक्शन हुई और जो सोडियम बेंजोएट बना इसके अंदर ऑक्सीडेशन। कैनिजरो रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो सबसे पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन, रिएक्शन इज इग्निटेड बाय बेस कैटलिस्ट, ये एक बेस कैटलिस्ट है, इस बेस कैटलिस्ट ने इस कार्बोनल के कार्बन के ऊपर अटैक किया और डबल बॉन्ड ब्रेक्स टू सिंगल बॉन्ड, ये एक कॉम्प्लेक्स एनायन बने। इस कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर इस कार्बन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन थे और चार इसने शेयर किए हुए, इसका ऑक्टेट पूरा है, कैसे, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, आठ इलेक्ट्रॉन पूरे, लेकिन फिर इसको, इस कार्बन को इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर देने पर इस कार्बन के 10 इलेक्ट्रॉन बन गए, अब ये 10 अफोर्ड नहीं करेगा तो ये फौरन अपना ये बॉन्ड तोड़ देगा, और जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर आएगा, क्योंकि 10 हो गए थे ना और इसको 8 चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे दे देगा, हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेकर आएगा, तो ये बनेगा हाइड्राइड आयन, और ये जो हाइड्राइड आयन बना है यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और साथ में बन गया HCOOH, फॉर्मिकेशन बना, साथ में न्यूक्लियोफाइल बना। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बोनल के कार्बन के ऊपर अटैक किया और जैसे ही अटैक किया डबल बॉन्ड ब्रेक्स टू सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया CH3, दो हाइड्रोजन थे ना एक ही, CH3O-, दैट इज कॉल्ड एज मेथॉक्साइड आयन। ये जो मेथॉक्साइड आयन बना है
इसके बनने के प्रोसेस को आप एक स्टेप में कह सकते हो। आप कह सकते हो कि ये हाइड्रोजन इकट्ठा कर लो, हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया, डायरेक्ट ऐसे कह दो हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो ये मेथोक्साइड बन गया और फॉर्मेशन ऑफ मेथनोल। अब जो मेथोक्साइड आई है ये फॉर्मिक एसिड के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन पोलर है, इस पर अटैक नहीं होगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होगा क्योंकि ये ज्यादा सस्सेप्टिबल है, ये ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड है। तो इस ओ का इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक हुआ तो ये बन गया CH3OH मेथनोल, और ये बचा HCOO-, फॉर्मेट आइन बन, और फिर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट आइन है HCOO-, इसे एक बॉन्ड की जरूरत है, तो ये सोडियम के ऊपर अटैक करेगा, जैसे सोडियम के ऊपर अटैक किया ये बन गया सोडियम फॉर्मेट, एंड बेस कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। एंट्री टेस्ट के हवाले से ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल दैट गिव्स कैनिजरो, तो की पॉइंट कैनिजरो रिएक्शन वो देंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, वो कैनिजरो देंगे। तो अल्फा में देखिए इस कार्बन के साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये कैनिजरो नहीं देगा। फिर इसको देखिए इसके अंदर ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इसमें हाइड्रोजन है, ये भी कैनिजरो नहीं देगा। फिर इसके बाद ये कार्बन के साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन लगे हुए, कैनिजरो नहीं देगा, जबकि ये का अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस अल्फा कार्बन के साथ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये देगा कैनिजरो रिएक्शन, जबकि ये तीनों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा।